वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई आई एस यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर दमन बेनीपाल एंड यू आर वॉचिंग डेली एडिटोरियल एनालिसिस इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि 5G जी ऑप्शन के बारे में है वेल रिसेंटली इंडिया में 5G जी ऑप्शन जो हैं उन्हें सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया ये ऑप्शन फर्स्ट अगस्त को हुई थी एंड जो बिड्स यहाँ पे हुई हैं दीज वर्थ अराउंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन सेवेंटी थ्री करोड़ सो so, इंडिया में ये जो फाइव जी ऑप्शन हुए हैं इसमें मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, जियो हो लाइक रिलायंस इंडस्ट्री का जियो हो भारती एयरटेल हो वोडाफोन आइडिया हो इन सभी यू नो जो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है न यहाँ से 5G का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वी विल अंडरस्टैंड सबसे पहले कि फ़ाइव जी एक्चुअली है क्या वॉट इज़ फाइव जी एंड फाइव जी की एडवाटेजेस क्या हैं um, कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स हैं जो कि एप्प्लीकेंट्स ने बाय किए हैं कब तक कंज्यूमर्स इंडिया के अंदर जो फाइव जी सर्विसेज हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे फोर जी के कंपेरिजन में क्या ये एक्सपेंसिव होगी या नहीं सो ऑल ऑफ़ दी यू नो दॉपिक्स दी क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइव जी वी गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन विद दट ना सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद व वेरी बेसिक दैट इज़ व्हाट इज़ 5G। जब हम 5G की बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं देन व्हाट इज़ इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाव सबसे पहले याद रखें कि ये एक फिफ्थ जनरेशन सेलोलर टेक्नोलॉजी है वट इज़ फाइव जी में सेलोलर टेक्नोलॉजी का ये फिफ्थ जनरेशन हमारे पास आ रहा है इस फाइव में एक तो हमारी जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड्स जो हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे हमें वन गीगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी विद फाइव जी एंड इससे जो भी लेटेंसी है मतलब जो टाइम नेटवर्क लेता है रिस्पोंड करने के लिए वो लेटेंसी यहाँ पे पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगी सो इट विल इंक्रीज द डाउनलोडिंग एंड द अपलोडिंग स्पीड एंड इट विल द लेटेंसी वी कैन ऑल्सो से कि 5G से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी जो लेटेंसी है वो डिक्रीज हो गई स्पीड बढ़ गई तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड इससे हमारे पास और भी स्टेबल नेटवर्क कनेक्शंस हमें मिल पाएंगे 5G को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने सिग्नल्स जो हैं उनको काफ़ी रिलायबली जो है वो एमिट कर सके इससे पहले जो सेलोर नेटवर्क हमारे पास आए हैं उनके कंपैरिजन में 5G के जो सिग्नल्स हैं दे आर मोर रिलायबल एंड जब हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं वी टॉक अबाउट दिय फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बहुत ही वाइडर एरिया है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जिससे कि ये हो पाएगा कि जो नेटवर्क कंजेशन है वो 5G में देखने के लिए नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द वाइडर एरिया इन एडिशन टू दिस इससे एक पूरा का पूरा जो आपके पास रीजन है जो एरिया है उसे कनेक्टिविटी इंश्योर्ड रहेगी एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपस में एक पूरे सर्कल में हमारे पास आ जाएगा कनेक्टिविटी का पूरा एक सर्कल बन चुका होगा जहाँ पे हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड होगी ना आज के टाइम पे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वी सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डीज डेज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना फाइव जी की मदद से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जो हमें एको सिस्टम क्रिएट करना है फाइव जी उसे फैसिलिटेट करेगा हमारी डेली लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगा इट विल इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आर लाइफ्स

थ्री बैंड्स जिसमें फाइव जी वर्क करता है वन इज़ लो देन इज मिड एंड देन इज हाई लो मिड एंड हाई ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हैं लो फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी और इन सभी बैंड्स के अपने अपने यूजेज हैं अपनी अपनी लिमिटेशन्स हैं जैसे कि अगर हम लो बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो लो बैंड स्पेक्ट्रम जब हम कवरेज की बात करते हैं कवरेज में तो बहुत अच्छा प्रॉमिस देता है बहुत अच्छी कवरेज लो बैंड स्पेक्ट्रम से आती है लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है दैट विल बी लिमिटेड टू 100 मेगा बाइट्स पर सेकेंड तो कवरेज है कवरेज एरिया ज़्यादा होगा लेकिन जो स्पीड है वो 100 मेगा बाइट्स पर सेकेंड तक रहेगी तो इसका मतलब है कि जो टेली कंपनीज़ हैं वो इसे यूज़ कर सकती हैं इसे इंस्टॉल कर सकती हैं फॉर कमर्शियल यूजर्स जिनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत नहीं है आ, उनके लिए लो बैंड स्पेक्ट्रम को जो कंपनीज हैं वो यूज़ कर सकती हैं कोर्स uh, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिनको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए कोर्स उनके लिए लो बैंड स्पेक्ट्रम यूज़फुल नहीं होगा लेकिन ऐसे लोग जिनकी स्पेसिफिक डिमांड नहीं है इतने हाई स्पीड इंटरनेट की लेकिन कवरेज अगर चाहिए तो उसके लिए लो बैंड स्पेक्ट्रम अच्छा रहेगा दैन इसके बाद हमारे पास आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम नाउ मिड बैंड स्पेक्ट्रम में लो बैंड के कंपैरिजन में जो स्पीड है वो ज़्यादा है लेकिन मिड बैंड स्पेक्ट्रम की भी अपनी लिमिटेशंस हैं अब अगर स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे जो कवरेज एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है ऑल्सो सिग्नल्स की जो पेनिट्रेशन है वो भी लो बैंड के कंपेरिजन में कम होती है स्पीड है लेकिन कवरेज एरिया और सिग्नल पेनिट्रेशन लो बैंड के कंपैरिजन में लो है नाउ टेली कंपनीज जो हैं देव टेकन लीड ऑन 5G और उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है वो उन इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा उन स्पेशल फैक्ट्री यूनिट्स को दिया जाएगा जहाँ पे जिनके लिए स्पेसिफिकली इस नेटवर्क को बिल्ड किया जाएगा एंड मॉड्यूल्स उनको दिए जाएंगे ताकि हाई स्पीड इंटरनेट उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को फैक्ट्रीज़ को मिल पाए बड़े एरिया में नहीं जाएगा स्पेसिफिक डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड फैक्ट्री बेस्ड ये स्पेक्ट्रम्स प्रोवाइड किए जाएंगे देन वी ऑल्सो हैव हाई बैंड स्पेक्ट्रम अब देखो हाई बैंड है तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो तीनों बैंड में सबसे ज्यादा है लेकिन उतनी ही कवरेज भी सबसे कम है और पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ जो आपके सिग्नल की है वो भी सबसे कम है इंटरनेट स्पीड यहाँ पे आपको हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इट कैन गो एज हाई एज 20 gigabits per second and in most of the cases the maximum internet data speed in 4g has been recorded at 1 gigabits per second so of course high band spectrum ki jo speed hai, that is the highest among all the three bands of the 5g now yahan pe, before we move ahead to the advantages of you know the uh, 5g हमें यहां पे समझना होगा दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं ना इट इज सेड की देर आर फाइव टेक्नोलॉजीज 5G के लिए हमारे पास फाइव टेक्नोलॉजीज आती हैं विच एक्ट एज अ पिलर फॉर फाइव कनेक्शंस कौन कौन सी सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज मिलीमीटर वेव मिलीमीटर वेव नाउ जो मिलीमीटर वेव है 5G बहुत ही ह्यूज चंक्स अपने डाटा का इस मिलीमीटर वेव के थ्रू यू नो वो करता है एमिट करता है एंड इट अलाउज द डाटा ट्रांसफर यू नो इन अ वेरी हाई स्पीड इन एक्सेस ऑफ वन गीगा पर सेकेंड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि राइट right नाउ कुछ यूएस के टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसे यूज करते हैं तो याद रखेंगे कि मिलीमीटर वेव में 5G बड़ा बड़ा ह्यूज चंक्स ऑफ डाटा ट्रांसफर कर सकता है बाय यूजिंग द मिलीमीटर वेव तो ये एक बड़ा पिलर है व्हेन इट कम्स टू 5G टेक्नोलॉजी अलोंग विद दिस द अनदर इंपॉर्टेंट पिलर द अनदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन द 5G इज द स्मॉल सेल्स स्मॉल इट नॉट ट्रेवल थ्रू ऑब्स्टेकल्स, बिकॉज इसका नाम ही बता रहे वेरी मिलीमीटर वेव तो वो ऑब्स्टेकल्स के थ्रू तो पास कर नहीं सकती तो क्या किया जाता है मिनी सेल टावर्स लगाए जाते हैं इन अ लार्ज नंबर ऑफ एरिया ताकि ये जो सिग्नल है वो मेन सेल पावर से रिले हो पाए तो अगर यहाँ से आपकी मिलीमीटर वेव आ रही है और बीच में कोई ऑबस्टेकल आ गया तो मिलीमीटर वेव तो आगे बढ़ नहीं पाएगी तो क्या किया जाएगा उस पूरे एरिया के अंदर स्मॉल सेल जो टावर्स हैं उन्हें लगाया जाएगा ताकि जो सिग्नल है वो एक दूसरे से आगे 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 रिले किया जा सके फ्रॉम द मेन सेल टावर तो एक मेन सेल टावर होगा और इस मेन सेल टावर से आगे आगे जो बाकी जो आपके स्मॉल सेल्स हैं वो सिग्नल को रिले करेंगे ऑल्सो देर आर यू नो सेल्स दे हैव टू बी प्लेस्ड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी कम्पेयर टू ट्रडिशनल टावर्स ताकि यूजर्स को फाइव जी सिग्नल्स अन इंटरेप्टेड मिले उसके लिए ट्रडिशनल टावर्स तो बेशक दूर भी हो तो भी सिग्नल आ जाता है फाइव जी के केस में जो टावर्स हैं वो थोड़ी क्लोज अप्रॉक्सीमिटी में होने चाहिए तो क्योंकि मिलीवेटर वेव को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए आपको स्मॉल सेल्स की भी जरूरत पड़ेगी दैट इज़ अनादर इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ फाइव जी टेक्नोलॉजी देन वी ऑल्सो नीड मैसेव एम आई एम ओ वॉट इज एम आई एम ओ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट अब इस टेक्नोलॉजी में जो आपका लार्ज सेल टावर है वो ट्रैफिक को मैनेज करेगा और जो रेगुलर सेल टावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेट्स से इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 4G एंड वहाँ पे 12 एंटेनर्स को यूज़ किया जाता है एंड सेगुलर ट्रैफिक एरिया के अंदर 4G को एमिट किया जाएगा ये 4G के अंदर ये चीज़ होती है कि हमारे पास एक बड़ा सेल टावर है जो कि ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है और जो रेगुलर सेल टावर है वो 4G को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 एंटीनास की जरूरत पड़ती है न जब हम मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट की बात करते हैं तो इट काइंड ऑफ सपोर्ट्स हंड्रेड एंटीनाज एट द सेम टाइम तो इससे क्या होगा कि एक टावर की जो ओवरऑल कैपेसिटी है टू हैंडल मोर ट्रैफिक वो कितनी इंप्रूव हो जाएगी कहाँ पर तो ट्वेल्व एंटीनाज जो हैं वो फोर टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं और कहाँ मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट के थ्रू हम हंड्रेड एंटीनाज को सपोर्ट कर पाएंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो इससे जो ओवरऑल टावर की जो कैपेसिटी है टू हैंडल मोर यू नो ट्रैफिक इट विल इम्प्रूव एंड इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट है इसकी वजह से ही फाइव सिग्नल्स की जो डिलीवरी है वो और स्मूदर हो पाएगी ठीक है जी सो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इज़ दी थर्ड पिलर ऑफ फाइव जी इसके बाद जब हम फोर्थ पिलर की बात करते हैं सो दैट इज म फॉर्मिंग बीम फॉर्मिंग वॉट इज बीम फॉर्मिंग यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप रेगुलरली जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं यू कैन स्विच टू स्ट्रॉगर एंड फास्टर टावर अगर कोई एक सिग्नल है वह ब्लॉक हो गया या फिर वो सिग्नल वीक है तो ऐसे केस में आप स्ट्रॉगर या फास्टर टावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो इससे ये इंश्योर हो पाएगा कि दे इज अ स्पेसिफिक डाटा दैट इज सेंट ओनली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है कि भाई एक ही चीज़ को वो पकड़ रहा है अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल ऐसा है जो कि ब्लॉक हो गया तो ऐसे केस में वो एक स्ट्रॉगर और फास्ट सिग्नल के साथ स्विच हो सकता है तो इसमें रेगुलरली मॉनिटरिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की अगर कोई फ्रीक्वेंसी लो है तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रोंगर फ्रीक्वेंसी है स्ट्रॉगर नेटवर्क है उसके साथ कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा इसे कहते हैं बीम फॉर्मिंग दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ 5G जी टेक्नोलॉजी एंड द लास्ट पिलर ऑफ 5G इज फुल ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो नोड है उससे आप डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हो सपोज दिस इज द नोड एट द सेम टाइम यू कैन ट्रांसमिट द डाटा

इट्स अ काइंड ऑफ टू वे स्ट्रीट और इसमें इक्वल ट्रैफिक के एक टाइम पे दोनों तरफ से इक्वल ट्रैफिक आएगी इक्वल ट्रैफिक जाएगी इस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है तो जब भी आप 5G के बारे में सोच रहे हैं ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यू शुड नो अबाउट दिज फाइव पिलर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी द मिलीमीटर वेव द नीड ऑफ स्मॉल सेल्स द मैसिव मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट द बीम फॉर्मिंग एंड द फुल ड्यूप्लेक्स दिस इज मस्ट टू नो अबाउट फाइव जी मूविंग ए हैंड जब हम फाइव जी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ फाइव फाइव जी अब देखो इमेजिन करें कि आप फुल एच डी मूवी अंडर थ्री सेकेंड्स डाउनलोड कर रहे हैं हाउ फास्ट डाउनलोडिंग वुड बी विद द फाइव जी फाइव जी इज केपेबल कि वो आपको फिफ्टी गीगा बिच पर सेकेंड की स्पीड दे सकते हैं विच इज हंड्रेड टाइम्स यू नो इंक्रीज इन ट्राफिक कैपेसिटी एंड नेटवर्क एफिशियंसी सो येस पहली चीज ये है कि आपकी जो हाई स्पीड आपको इंटरनेट की यहाँ पर मिलेगी ऑफ कोर्स बिकॉज मिली मीटर वेव को यूज किया जा रहा है इवन बाई यूजिंग द मिली मीटर वेव जो लेटेंसी है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाएगी यू नो यू कैन अचीव द लेटेंसी ऑफ जस्ट वन मिली सेकेंड वन मिली सेकेंड की लेटेंसी होगी आपने कोई चीज़ कमांड की और उसके रिजल्ट में वन मिली सेट मिली सेकेंड का लेटेंसी एंड दिस विल हेल्प अ काइंड ऑफ यू नो कि हम एक इमीडिएट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें और जो नेटवर्क ट्राफिक है वो भी इससे रिड्यूस हो पाएगा एंड इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो 5G है इसका अगर फुल पोटेंशियल अगर हम देखें तो इससे हमारी रियल टाइम हमारी रियलिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज आएगा इससे और भी ज़्यादा हार्डवेयर्स जो कि कम्प्लीटली 5G के इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे वो और डेवलप हो पाएंगे एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ़ फाउंडेशन फॉर दी वर्चुअल रियालिटी बीट ऑटोनॉमस ड्राइविंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब के लिए फाउंडेशन बनेगा 5G. इससे स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस तो बेटर होगा ही होगा बट इट विल ऑल्सो ओपन अप डिफरेंट एवेन्यूज लाइक आप मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स हो पाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट्स हो पाएंगी इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी जो 5G है इसकी एडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगी सो वी समिट अप it is an it will improve the data transfer speed it will reduce the latency time and we say that this is shaping the fourth industrial revolution and by using 5g technology we can enable internet of things this will lead to more data intensive and digital economy so these are the advantages of 5g but yes with advantages we also have सम चैलेंजेस जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम फाइव जी की बात करें लेट्स डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द फाइव जी सबसे पहली चीज़ है कि भाई ये फाइव जी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना ये काफ़ी कॉस्टली है इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स को अपना करंट इकोसिस्टम हटाकर 5G जी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना होगा दे विल नीड अ बिगर बैंडविथ जो कि वो अभी नॉर्मली 3G या 4G के लिए यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बड़ी बैंडविथ की जरूरत पड़ेगी एंड देो इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव यू नो थिंग प्लस ये देखने के लिए मिलता है कि जो स्पीड है जब आप मिलीमीटर वेव यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्टेड स्पीड है इसे पोटेंशियली स्लोअर आपको स्पीड मिले बिकॉज ऑफ द लिमिटेड बैंड बिकॉज ऑफ दैंडीड द मिलीमीटर वेव वुड बी यू नोड ऑफ स्लोअर नेटवर्क स्पीड देन वॉट इज प्रोजेक्टेड स्टिल इट वुड बी हायर देन थ्री जी एंड फोर जी क्योंकि मिलीमीटर वेव में आपको शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंसेज के बाद जो ऑब्स्टिकल हैं वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आपको जो हार्डवेयर है उसकी डिप्लॉयमेंट काफ़ी करनी पड़ेगी ताकि जो आपकी मिलीमीटर वेव है वे विदाउट ऑब्स्टिकल मूव कर पाए तो हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा एंड देन ऑफ कोर्स एक चीज़ क्वेश्चन तो आई जाती है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज़ क्या रहेंगे 5G के साथ तो वो सेफ्टी इश्यूज़ यहाँ पे आ जाते थे दे आर अनोन राइट नाउ कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशूज़ क्या होंगे एंड फाइव जी इज ग्रोइंग बट नॉट एट द रेट पीपल एक्सपेक्टेड प्रेजेंटली फाइव जी ने फोर जी और थ्री जी को कहा जा रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक भी ये ओवरटेक नहीं कर पाएगा लॉट ऑफ स्पेक्टिसम गोइंग ऑन ओवर द ग्रोथ ऑफ फाइव जी एज वेल एंड डोमेस्टिकली भी इंडस्ट्रियल स्ट्रेस देखने के लिए मिल रहा है हमारी इंडिया की जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं दे आर अंडर स्ट्रेस इन द रिसेंट टाइम्स इस्पेली बिकॉज जियो की एंट्री के बाद जो कॉम्पिटिशन था वो अनलिश होता है एंड आफ्टर दैट द टेलीकॉम सेक्टर इज एंडस्ट्रेज अनलेस दे आर गेटिंग सम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कोई बैंक लोन मिल रहा है या फिर जो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं उनको लो डाउन किया जाता है कंपनीज फाइंड इट हाउ टू रोल आउट दी फाइव जी ना फाइव जी की जब बात हो रही है तो स्पेक्ट्रम बाय किया है देखो अब ये जो डिटेल्स हैं ये हमारे पास करंट अफेयर की डिटेल हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम कितना कितना बाय किया है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई सेवन हंड्रेड मेगा उसका बैंड कितना गया है ट्वेंटी सिक्स का कितना गया है दिस इज वॉट यू आर नॉट सपोज टू नो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि येस yes, स्पेक्ट्रम जो है उसकी बिडिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा बिडिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमारे पास आया है नाउ वेन कैन कंज्यूमर कैन यूज स्टार्ट यू नो यूज दी फाइव जी सर्विसज़ तो कहा जा रहा है कि मेट्रो एरियाज़ में अक्टूबर तक इस साल अक्टूबर तक ये सर्विसेज आ सकती हैं बट स्टिल इट इज़ अ टफ रोड अहेड व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन क्योंकि एक जैसे कि हमने पहले कहा कि बहुत ही एक्सपेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि करना पड़ेगा एंड इंडिया में प्राइसिंग जो डायनेमिक्स है वो बड़ा इशू रहता है सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टेक अकाउंट वी टॉक अबाउट द फाइव जी सो दैट वॉज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही देखिए हमारा मेन एम ये था कि क्योंकि फाइव जी ऑप्शन हुए हैं तो फाइव जी क्या है फाइव जी प्रिंसिपल्स क्या हैं पिलर्स क्या हैं फाइव जी की एडवांटेजेस क्या हैं चैलेंजेस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए सो दैट इज़ ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू